नमस्कार सिटी केबल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। दर्शकों, हमारी नियमित स्वास्थ्य विषयक चर्चा हेल्थ केयर में हम एक विषय को लेकर अपने एक्सपर्ट के साथ चर्चा करते हैं और उनसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हड्डियाँ, जोड़ और जॉइंट्स हैं। हड्डियाँ न केवल हमारे शरीर को एक आकृति प्रदान करती है बल्कि ये हमारे शरीर की पूरी जो मूवमेंट्स होती हैं, हलचल होती है, एक्टिविटीज होती है, उनको नियंत्रित करती हैं। अक्सर साहित्य में हड्डियों का जिक्र होता है। हड्डियाँ हमारे शरीर के बहुत अंदर तक धंसी होती है, तो जहाँ गहराई का संभव होता है हड्डियों का उल्लेख होता है। उदाहरण के तौर पर अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई तो कहते हैं ठंड इतनी ज़्यादा थी हड्डी तक सेरन भर गई, या फिर सफ़र इतना कठिन था कि हड्डियाँ चरमरा गई, और अगर कोई बहुत आक्रामक हो गया तो कहता है कि देख लूँगा तेरी हड्डी पसली एक कर दूँगा। कोई व्यक्ति जो बार बार परेशान करता है तो अंग्रेजी में उससे कहते हैं पेन इन नेक, गर्दन में दर्द। और हड्डियाँ जब तक हमारे सुचारू रूप से काम कर रही, हमारा काम अच्छे से हो रहा है, लेकिन अगर इनमें कहीं कोई तकलीफ हो जाए, कहीं कोई रुकावट आ जाए, तो ये काफ़ी पीड़ा और वेदना का विषय हो जाती है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उससे संबंधित स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर प्रसन्ना जी राठी। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर प्रसन्ना जी ने अपने अंडरग्रेड्स की पढ़ाई अमरावती से की है और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई मीरत से की है। पढ़ाई के पश्चात इन्होंने 6 महीने फेलोशिप जापान और उसके बाद ताइवान में की है, और उसके बाद से अमरावती स्थित राठी हॉस्पिटल में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले तो जिस हड्डी, रीढ़ की हड्डी का हमने उल्लेख किया है, तो शरीर में उसकी रचना क्या है और इसका दर्द से कैसा संबंध है? हम जिसे स्पाइन कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो एक बहुत ही विशेष प्रकार से बनी हुई है। अगर आप यह मॉडल देखेंगे तो इसमें हमारी हड्डियाँ ऐसे ब्लॉक के तौर पे एक दूसरे के ऊपर रखी है, और बीच में ये जो आप ब्लू, हल्के ब्लू कलर से देख रहे हैं, नीले रंग से, ये हमारी डिस्क है, जिसको हम दो हड्डियों के बीच में एक गद्दी कहते हैं हम। यह हड्डी, यह अपना हड्डियाँ और जो गद्दी है, ये एक ब्लॉक बनाता है, और इस ब्लॉक को लिगामेंट्स यानी नाम की चीज़ है जो आगे से इस तरह जोड़ देती है, और पीछे से काफ़ी स्नायु या मसल्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, जो इसकी मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। यह चारों चीज़ों से जो एक ब्लॉक बना है, उसे हम स्पाइन कहते हैं। हमारा जो स्पाइन है, हम जिस जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, पहले हम 4 पैरों के प्राणी हुआ करते थे, अब हम 2 पैरों पर आ गए हैं। अगर हम 4 पैरों की एक कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसी को 2 पैर की कुर्सी पे अगर हमको किसी ने बिठा दिया तो हमको उसको बैलेंस करने में जो फोर्स लगेगा, वो काम हमारा स्पाइन कर रहा है, और इस पे सोचिए आप कि कितना फोर्स होगा। यह जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हमको कुछ बेनिफिट्स या कुछ फ़ायदे मिले हैं 2 पैर पर चलने के, लेकिन उसके साथ कुछ जो नुकसान है, जो बैलेंस है, ये हमको करने का एक डिफ़िकल्ट टास्क भी मिला है हमको। तो यह जो बैलेंस करने के लिए जो शक्ति लगती है, या जो इसको बैलेंस करने के लिए जो काम है, यह स्पाइन का है। अगर यही स्पाइन अगर इस तरह टेढ़ा हो गया तो आप इमेजिन कीजिए कि इस पर कितना लोड आ गया, या इस तरह टेढ़ा हो गया तो कितना लोड आ गया है। यह एक हमारे कॉलम या बीम का काम है। ये अगर कोई भी बिल्डिंग का कॉलम अगर तिरछा हो जाए तो वह जो प्रॉब्लम्स आपको आगे रहेंगे वही इसमें रहेंगे। दूसरे सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो यह सारी चीज़ें जब मिलकर काम करती है, यह सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट में सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं, तो यह सुचारू चलता है। मैं इसे कहूँगा कि यह एक देवरानी और जेठानी का कंसेप्ट है हमारे घर के लिए। अगर घर में देवरानी और जेठानी अगर यह मिलकर बराबरी में बाँट के काम करेंगे ना, तो घर सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ पर भी अगर हड्डियाँ, स्नायु सुचारू रूप से चलना है तो इनको मिल बांट कर काम करना है। पर किसी कारण से अगर स्नायु काम नहीं कर रहे हैं तो हड्डियों पे लोड बढ़ जाएगा, या हड्डियाँ काम नहीं कर रही तो स्नायु पे लोड बढ़ जाएगा, और इसके वजह से उनकी थोड़ी सी चिड़चिड़, जिसको हम पेन कहते हैं,
वह होगी। तो यह कंसेप्ट एक बहुत आसान हो गया समझने के लिए। डॉक्टर प्रसन्न जी, बहुत ही आसान शब्दों में एक बहुत जटिल विषय को आपने समझाया है, और दर्शकों जो कारण डॉक्टर प्रसन्न जी हमसे कह रहे हैं कि हड्डियाँ, हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट्स और उनको सपोर्ट करने वाले मसल्स, इन सब का जो यूनिट है उसे आपस में समन्वय के साथ काम करना चाहिए। अगर कहीं से किसी काम में कोई व्यवधान आ जाए तो दर्द होगा। दर्शकों, जानकारी के लिए कि विदेशों में पीठ दर्द काम में गैर हाजिरी का सबसे प्रमुख कारण है, और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे ऑक्यूपेशनल रिस्क यानी कामकाज से होने वाले खतरे के रूप में निरूपित किया है। अमेरिका में सर्दी खांसी के बाद डॉक्टरों के पास जाने का सबसे मुख्य कारण पेट दर्द माना जाता है। तो डॉक्टर प्रसन्ना जी, जिस इतने गंभीर विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे कौन से वर्ग हैं जो मुख्य रूप से जिनमें ये पेट दर्द या स्पाइन का दर्द होने की संभावना होती है? पीट दर्द के जो संभावित कैंडिडेट हम कहेंगे या रिस्क फैक्टर्स जिनमें है, उसमें से सबसे पहले अगर आज आप सोचेंगे तो जो युवा बच्चे हैं हमारे, हमारे बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम है। आज वो घर में और पढ़ाई पर सीमित हो गया है काफ़ी तक। घर में वीडियो गेम्स और आउटडोर एक्टिविटी कम होने की वजह से, साथ में उनके जो बैग का जो वजन है, उनका जो बैग या बस्ता है, स्कूल बस्ता जिसको हम 5 किलो का कहते हैं, वो भले ही कहने के लिए 5 किलो है लेकिन उनके लिए वो 25 किलो के बराबर है। तो वो 25 किलो का वजन लेकर आप कितने दूर चल सकते हैं? नहीं चल पाएंगे ज़्यादा दूर। तो वो बच्चों पे जो अभी से जो बस्तों का वजन आ रहा है उसके वजह से एक अर्ली चाइल्डहुड में या अर्ली एज में दर्द आ रहा है। हमारे पास काफ़ी से पेशेंट आते हैं जिनको 5-6 साल के बच्चे जिनको कमर गर्दन का दर्द हम काफ़ी कॉमनली देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप युवा अवस्था में चले जाए तो युवा अवस्था में आजकल लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और हमारे पास मोबाइल गैजेट्स इतने बढ़ गए हैं कि उसके प्रयोग के लिए जो हमारा पोस्चर है उससे काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अगर आप देखेंगे तो डेस्कटॉप में हम लोग इस तरह काम करते हैं, ये हमारा कीबोर्ड है और हमारा गर्दन इस तरह रहती है, जो कि हमारे काम करने का गलत तरीका है। आइडियली हमारा पोस्चर थोड़ा सा इस टाइप का होना चाहिए, हमारा गेज थोड़ा नीचे होना चाहिए ताकि हम सुचारू रूप से काम कर सकें। लैपटॉप में तो हम ऐसे कभी इस ढंग से काम करेंगे कि हमारा एकदम ही पोस्चर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और दिन भर का कंप्यूटर गैजेट और हाथ में मोबाइल देखेंगे आप तो फिर वो तरीका हमारा जो है पोस्चर, वो हमारा पोस्चर गलत हो रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें कमर में या गर्दन में दर्द हो रहा है। इसके आगे मैं कहूँगा कि हमारा लाइफस्टाइल जो है, सिडेंट्री हम जिसे कहते हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एकांकीपन जो व्यतीत करते, उनका काम इस तरह का होता है कि वो सुबह अपना गाड़ी से निकले, ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठे और फिर उसके बाद वो दिन भर बैठने का काम है, एक्टिविटी कम है, वापस गाड़ी पर आए, वापस घर में आ गए, खाए पिए, सो गए। इसको हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल करते हैं। या कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जिनके काम ही ऐसा है, बैंक में है, उनको दिन भर कस्टमर से बात कर दो, कंप्यूटर पे काम करो, इस तरह रहो, क्लरिकल जॉब है। ये सारे जो जॉब्स है ये सारे आपको इस दर्द के लिए, दर्द की तरफ ले जा रहे हैं। और आखिरी विषय मैं कहूँगा वो है मोटापा, स्थूलता, या जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी आपके मसल्स को टोन कम कर देती है, लूज कर देती है आपके मसल्स को, जिसके वजह से आपके मसल्स काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपकी हड्डियों पे लोड बढ़ता है और उसके वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो यह 3-4 प्रमुख कारण है। तो फिलोसॉफी कहते हैं कि दर्द दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। दशा आपकी जो बैठने की पोजीशन है, पोस्चर जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं वो, या दिशा आदमी के सोचने की प्रवृत्ति या उसका मार्गदर्शन बदल देते हैं। विषय पर आते प्रसन्ना जी, और जो दर्द है, स्पाइन का दर्द, पीठ दर्द या अपने गर्दन का दर्द, इसके कारण क्या है और वो किस तरह से प्रस्तुत होते हैं? स्पाइन दर्द के जो कारण है उसमें प्रमुख कारणों पे मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा। उसके अंदर पहला जो कारण है मोच, हम स्प्रेन जिसे कहते हैं। स्प्रेन जो होता है एकदम पेशेंट को कभी कभी जोर से झटका लग जाता है, कभी या हम बोलते हैं ना हल्के शरीर से कुछ उठा लिया है, कभी रात को सोने में गर्दन टेढ़ी रह गई है, तो वो सुबह उठे या दूसरे दिन तक पेशेंट एकदम ऐसा स्टिफ या जकड़न में हो जाता है। पेशेंट की गर्दन ऐसी रहती है, पेशेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता है, वो आप इस तरह भी नहीं इस तरह, उसका दर्द इतना होता है कि कुछ पेशेंट हमको यह अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब पेशेंट को नहीं ला सकते, आप आइए, आप घर पर ही देख लीजिए, बहुत मुश्किल है।
तो मोच जो है यह हमारे लिगामेंट्स और मसल का स्प्रेन है। दूसरा एक प्रमुख कारण बैक पेन का है या कमर दर्द का है वह डीजेनरेटिव या हम जिसे उम्र के साथ का दर्द कहते हैं। उम्र के साथ का दर्द जो होता है वह हड्डियों की घसावट की वजह से होता है, एजिंग प्रोसेस है, इसे कोई नहीं टाल सकता, यह सबको होना है। सिर्फ एज डिफरेंस रह सकता है, किसी को 50 में चालू हुआ, किसी को 55 में, किसी को 60 में, अलग अलग एज में यह दर्द हो सकता है। इसमें जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि दिन भर ये लोग रेस्ट करेंगे तो इनका दर्द कम रहता है, अगर एक्टिविटी बढ़ी तो यह दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा एक दर्द जिसको हम मैकेनिकल पेन बोलते हैं, जो हम पोस्चर से रिलेटेड है, जो हमारा गलत तरीके का बैठना है, हमारे बाकी लाइफस्टाइल्स है, उसके वजह से एक जो पेन आता है उसको हम मैकेनिकल पेन भी कहते हैं। यह पेन भी आप रेस्ट करेंगे थोड़ा ठीक लगता है, प्रेजेंटेशन उसका ऐसा ही रहता है जैसे डीजेनरेटिव पेन है, बट यह एज ग्रुप डीजेनरेटिव से मैच नहीं होता है, यह लोगों को बार बार ऐसा रिपीटेडली ऐसा होते रहता है, तो यह एक कारण है। चौथा कारण हम जिसको कहेंगे वो पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल यानी किसी बीमारी से संबंधित है, चाहे यह बीमारी वात हो सकती है, वात के अंदर हम लोगों को सुबह सुबह उठने पर ऐसे जकड़ावट से लगती है, ऐसा लगता है कि मेरा शरीर बिल्कुल ही ऐसा जकड़ा हुआ है किसी चीज़ से, मैं कुछ काम करने का इच्छा नहीं रखता हूँ, मेरे हाथ पैर के जो छोटे छोटे जो जॉइंट्स है इसमें दर्द और स्टिफनेस रहता है, तो मेरी उठने एक बार मैं उठकर थोड़ा सा नहा लूँ तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है, फिर मैं कुछ काम कर पाता हूँ। पैथोलॉजिकल में और रह सकता है कोई फ्रैक्चर कभी हो जाए किसी से, कोई गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसका भी दर्द हम पैथोलॉजिकल। तीसरा एक है कि अगर कभी हमारे कमर में, वर्टिब्रा में बोलो या स्पाइन में, रीढ़ में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई जंतु आ जाए कहीं से, यह जंतु एक साधारण जंतु हो सकता है, चाहे टीबी का जंतु हो सकता है, तो यह जंतु आने से हमको इन्फेक्शन और कमर का दर्द हो सकता है। एक और चीज़ है जिसको हम कैंसर कहते हैं, सादी भाषा में कोई कैंसर होता है। कैंसर शरीर में दो टाइप से हो सकता है, एक है कि रीढ़ की हड्डी का खुद का कैंसर, और एक जो कैंसर है वो कहीं और हो रहा है शरीर में और बाकी शरीर में जैसे फैलता जाता है, तो वो रीढ़ की हड्डी में भी आ जाता है, चाहे वो हमारे छाती से, लंग से आओ, चाहे यूटेरस से आओ, चाहे थायराइड से आओ, तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन है। एक जो ज़रूरी है जिसको हम बैक पेन में लेना ही पड़ेगा हमको, वह कमर के दर्द से नहीं मैं कहूँगा उसे, पर उसको वो है साइटिका, या लोग जिसको कहते हैं स्लिप डिस्क, लोगों के लिए बहुत कॉमन हो गया, डॉक्टर साहब मुझे स्लिप डिस्क हो गया, तो इसको यह दर्द चालू ज़रूर कमर से होता है लेकिन ये जाएगा आपके पैरों में, यह इसलिए पेशेंट को ये समझ में आता है कि मेरे कमर से दर्द हो रहा है, सिर्फ कमर का दर्द ये जो साइटिका या इसमें रहेगा स्लिप डिस्क में, यह बहुत 10-20% है कि आपको पैर का कोई दर्द नहीं है, सिर्फ कमर में दर्द है, ऐसे बहुत कम संभावना है। लेकिन यह जो स्लिप डिस्क है यह अगर गर्दन में होती है तो इसका आपको हाथ में झुनझुनी, हाथ में चीटियाँ आ रही है, हाथ सुन सा लग रहा है, आपके हाथ से कुछ सामान गिर रहा है, हाथ ऐसा भारी भारी लग रहा है, यह सारी चीज़ें आपको हाथ में देखने को मिलेगी। और यही स्लिप डिस्क आपके कमर में होती है तो यह आपके पैरों में देगी। यह स्लिप डिस्क जो है ये आप अगर आप एक मॉडल पे इस पर फोकस कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यह जो है हमारे दो ब्लॉक है और इसके बीच में ये गद्दी है, और हर एक लेवल ऐसी काफ़ी लेवल्स है, ये लेवल्स पे यहाँ से अपनी पैरों की नसें निकल रही है। यह अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो नस है इसको काफ़ी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्क आपकी स्लिप नहीं हुई है, पीछे नहीं आई है। ये मॉडल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये जो लाल पोर्शन है या कलर्ड पोर्शन है यह स्लिप डिस्क है, यह आपके डिस्क से बाहर आया हुआ मटेरियल है। तो ये स्लिप डिस्क क्या करता है, अगर हम इसको इधर से पलटा दें तो अब यह जो लाल पोर्शन है यह इस गद्दी से आया हुआ टुकड़ा है और यह आपके नस को यहाँ दबा रहा है, तो यह आपकी एक पैर की नस बहुत ज़्यादा दर्द देगी, ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई करंट आ रहा है पैर में, तो यह स्लिप डिस्क। बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर प्रसन्ना जी ने हमें जो शाइटिका या स्लिप डिस्क की बात बताई है और समझाया है कि एक जनमानस में एक जो ऐसी मान्यता है कि स्लिप डिस्क ये कमर दर्द या पीठ दर्द का कारण, बल्कि वो नहीं होते, उसका दर्द नीचे जाएगा। डॉक्टर प्रसन्ना जी, आपने इतने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों के लिए जो जानकारी दी है, तो जो मुख्य प्रश्न आता है कि हमारी बीमारी के लिए तो हमको समझ में आ गया, अब इनके ऊपर उपचार कैसे करें?
जिस तरह से हमने इनको डिवाइड किया था कि इसके कारण क्या है, उसी प्रकार हम इसका उपचार भी इसी में लेंगे। जो मोच है, सर्वप्रथम कारण हमने कहा था कि मोच है। मोच में आपको पेशेंट जकड़ा हुआ है, पेशेंट खुद कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो आपको रेस्ट पेशेंट को बहुत आसान है। पेशेंट खुद ही बोलता है कि डॉक्टर साहब कुछ हिल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं आप मुझे सुला के पेशेंट को रेस्ट, बेड रेस्ट और कुछ दवाई, इससे पेशेंट आपका 4-5 दिन, 3 से 5 दिन लगते हैं, काफ़ी हद तक मोबाइल हो जाता है, और बाद में एक्सरसाइज करो। जो हमने दूसरा कारण लिया था डीजनरेटिव, उम्र के हिसाब से जो दर्द आया है, यह उम्र के हिसाब का दर्द है। इसमें अगर आप 50% मैं कहूँगा कि वो पेशेंट के साइकोलॉजी को ट्रीट करना है आपको, यह दर्द पूरी तरह नहीं जा सकता है। दवा गोली से ये दर्द कम होगा, फिर हम उनको हल्के से व्यायाम, उनको ज़्यादा एग्रेसिव व्यायाम नहीं दे सकते, तो हल्के से व्यायाम देकर हम उन्हें ये करेंगे, दर्द कम कर सकते हैं। लेकिन इनका साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन्हें सही में 2-4 बार पूछ ले आपका दर्द कैसा है, उनकी तरफ ध्यान दे, उनको यह बताए कि हमको आपके दर्द का बहुत कंसर्न है, तो इसमें से आधा 75% पेशेंट वैसे ही अच्छा हो जाता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है उन लोगों। तीसरा हमने जो पेन कहा था, मैकेनिकल पेन है, वो पेन आपको लाइफस्टाइल आपका मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको जब आप कभी बैठे हैं, आपको आपके मसल्स कब अकड़ते हैं, जब आप कोई काम कंटिन्यूस करें। अगर आप कुछ काम आपको कंटिन्यू करना है 5-10 मिनट के ऊपर, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कुछ लिख रहे हो आप, चाहे सब्जी तरकारी काट रहे हो, चाहे टीवी देख रहे हो, कोई भी काम आप इस तरह होने के बाद आप 5 मिनट हो जाए तो आपका पोजीशन थोड़ा सा इस प्रकार से ब्रेक कर लीजिए। उसको आप ऐसे ही रखेंगे, ये जकड़ने वाला है और ये आपको दर्द देने ही वाला है, तो आप इसकी पोजीशन थोड़ा ब्रेक करें। आपको कमर में प्रॉब्लम है, उठिए, थोड़ा सा घूम के आइए, फिर आके बैठ जाइए। इससे आपके मसल्स थोड़े रिलैक्स होंगे और यह दर्द आपका कम रहेगा। एक और ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर, वो है आप यहाँ पर एक गर्म पानी की थैली, हीटिंग पैड रख सकते हैं। हीट इसको, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करती है, जिससे आपको फ़ायदा होता है। आप कहीं भी कार में बैठे हैं रख सकते हैं, आप घर में बैठे टीवी देखे रख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। आखिरी एक चीज़ जो है इसके अंदर, जो हमारा पैथोलॉजिकल पेन था, पैथोलॉजिकल पेन में हर एक पेन का एक एक जो हर एक कारण है उसका अपनी अपनी ट्रीटमेंट है। जैसे कि वात का रहेगा तो आपको वात की दवाई लेना पड़ेगा, वात की दवाई से वात जैसे कंट्रोल में आएगा वैसे ये दर्द भी कम रहेगा। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का अपना एक तरीका है, कुछ दवाई है, कुछ टीबी की दवा है, कुछ इन्फेक्शन के इंजेक्शन है, उससे यह कम हो सकता है। जो फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट से कम होगा वो। कुछ कैंसर है, हर एक कैंसर का अलग अलग किस जगह से आया है यह मालूम करना ज़रूरी है, और जैसे ही हमें पता चलेगा उस कैंसर की एक अपनी थेरेपी होती है। इस सब में कहीं ना कहीं एडवांस स्टेज पे कहीं ना कहीं ऑपरेशन का रोल है, पर उसके बारे में हम डिटेल में नहीं। और रह गया अब सबसे ज़रूरी पॉइंट, और जो 80% लोगों को जो होता है वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में मैं कहूँगा कि 80% लोग जो है ये लोग रेस्ट, आराम इससे अच्छे हो जाते हैं, 80% लोग। इसका यह मतलब नहीं कि हर कोई आदमी बगैर कुछ ट्रीटमेंट के, बगैर ऑपरेशन के अच्छा हो सकता है, 80% लोग इससे ठीक हो जाते हैं। जो 20% लोग रहते हैं उन्हें इसमें आगे कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे अलग अलग मॉडलिटीज़ है उसमें ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट जो 80% लोगों को हम देते हैं ना, हम उसको कहते हैं 8-10 डेज ऑफ कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट। पेशेंट को हम बोलते हैं आपको घर में रेस्ट करना है। पेशेंट, डॉक्टर साहब 4 दिन से तो घर में बैठा ही हूँ, कुछ भी नहीं। बैठना ये बेड रेस्ट नहीं है, बेड रेस्ट है हमारा, जो व्याख्या है बेड रेस्ट की बहुत ही क्लियर है और एकदम क्लियर है। 23.5 घंटे सो के रहना है, चाहे सीधा सो, चाहे करवट पे सो, चाहे उल्टा सो, किस तरह भी सो। कोई आपसे बात करने आए तो आप लेट के बात कीजिए, आपको टीवी देखना है लेट के टीवी देखिए। आपको सिर्फ आधा घंटा दिया है हमने, 23.5, बचा जो आधा घंटा आपको दिया है वो बाथरूम जाइए और आप खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं। इसमें जो 8-10 दिन में इसके साथ मेडिसिन लेके जो लोगों को दर्द कम होता है ना, उन लोगों को बगैर ट्रीटमेंट के, बगैर और कुछ, बगैर ऑपरेशन या इसके, ये ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग जिनको दर्द बिल्कुल ही सहन नहीं हुआ, डॉक्टर साहब आप हमको कुछ आगे बताइए कि अब ये दर्द नहीं सहन हो रहा, क्या करना है, या कुछ लोगों का टॉलरेंस लेवल कम रहता है, वो तीसरे दिन मुझे इतना दर्द नहीं सहना,
तो उसमें ऑपरेशन का वगैरह रोल है। पर अगर आप यह देखेंगे कि एक साल बाद आपको एक पेशेंट मिलता है जो कहता है कि मैंने डॉक्टर साहब उस समय ऑपरेशन कराया था, और एक साल के बाद एक पेशेंट मिलता है, डॉक्टर साहब आपने मुझे 3 हफ्ते का रेस्ट बोला था, मैंने किया, मैं अच्छा हूँ, तो ये दोनों पेशेंट आपको सेम मिलेंगे नज़दीक, एक 99.99% आपको नज़दीक सेम ही मिलेंगे, दोनों में रिजल्ट सेम है। इससे मैं आपको कहीं यह नहीं बताना चाहता हूँ कि हर बार स्लिप डिस्क को आप बगैर ऑपरेशन के ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बेड रेस्ट से भी ठीक हो सकता है। तो मोटे तौर पर ये इस तरह समझें कि स्लिप डिस्क वाली जो चीज़ें शायटिक है उसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और है भी तो वो एक्सपर्ट डिसाइड के बजाय पेशेंट के। डॉक्टर प्रसन्न जी, एक बहुत पुरानी मान्यता थी, पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि अगर शायटिक का या इस तरह का पेट दर्द, कमर दर्द हो तो उसमें वजन लटका के ट्रैक्शन दिया जाता। आपके अब तक के पूरे ट्रीटमेंट में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? अगर आप मुझे ट्रैक्शन के बारे में पूछेंगे तो मॉडर्न साइंस में ट्रैक्शन का स्लिप डिस्क के लिए कोई रोल नहीं है। यह स्लिप डिस्क में मैंने आपको समझाया कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। पुराने ज़माने में ट्रैक्शन लगाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है ट्रैक्शन का रोल नहीं के जैसा हो रहा है या नहीं है बिल्कुल। इसका कारण यह है कि ट्रैक्शन आप लगा दो पेशेंट को, पेशेंट सोया है, पेशेंट खुद ट्रैक्शन निकाल नहीं सकता है, पेशेंट आपको बुलाएगा, अरे आइए एक मिनट मेरा ट्रैक्शन निकाल, तो आपका कंट्रोल है उसके ऊपर, वो खींच के वो स्पेस ओपन हो जाती, वो थियरी अब कुछ काम नहीं आए। अगर पेशेंट समझदार है मैं कहूँगा, या पेशेंट खुद यह ठीक होने के लिए उत्सुक है, तो पेशेंट को आप समझाइए कि आपको बेड रेस्ट करना है या बेड रेस्ट से ही आपको फ़ायदा होगा, तो ट्रैक्शन का कुछ रोल। यानी अगर वो खुद इमोबाइल है, अगर वो हलचल नहीं कर रहा है, तो और किसी ट्रीटमेंट मॉडलिटी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक समाज में मान्यता है कि इंफ्रारेड लाइट दिया जाता है या किसी मशीन से सेक किया जाता है, जिससे उनको बहुत फर्क पड़ता है, ये कहाँ तक सही है? लाइट जिसको हम शॉर्टवेव डाइथर्मी कहते हैं, या हीटिंग पैड रखते हैं, या वो नीडल थेरेपी देते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर करते हैं, ये जो अलग अलग जो थेरेपी, ऐसे 28-30 की अलग अलग टाइप की थेरेपीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नाम से हो रही है, यह सब मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका कुछ भी रोल नहीं है। इनका रोल कुछ मायने तक है, पर इनका रोल क्या है ये समझना ज़रूरी है। लाइट, हीट, ये अभी मैंने आपको बताया था कि आप हीटिंग पैड या गर्म पानी की थैली रख सकते हैं, तो इससे आपके जो मसल रिलैक्स होते हैं तो यह आपका पेन थोड़ा कम कर देते हैं। स्लिप डिस्क के वजह से आपके मसल को स्पाज़म हो रहा है, आपके मसल को जकड़न हो रही है स्नायु को, वह हीट आपको उससे रिलैक्सेशन देगा, और टेम्पररी क्यों ना हो आपका कुछ ना कुछ दर्द उससे कम होगा। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है, हम जिसको कहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वह गाड़ी आपकी ख़राब है, इंजन उसका ख़राब है, और बाहर से लुक थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, आपने क्या किया उसको डेंटिंग, पेंटिंग, कलरिंग सब कर दिया उसको, और गाड़ी बाहर से आप चकाचक दिख रही है, तो गाड़ी आपकी चकाचक दिख रही है, ठीक दिख रही है, लेकिन जैसे ही आपने वो गाड़ी चालू की तो आपका इंजन आवाज़ करेगा। तो यह इसी टाइप का हमारा यह कंसेप्ट है कि आप उसको बाहर से हीट वगैरह देके उसको टेम्पररी रिलीफ कर रहे हैं। टेम्पररी क्यों ना हो, पेशेंट को उस समय कोई भी रिलीफ बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कम से कम कुछ तो कम हुआ दर्द, पर वो टेम्पररी है। जैसे ही आपने उसके ऊपर लोड डाला, खड़े हुए, अंदर से आपकी स्लिप डिस्क ने आपको वापस करंट के जैसा दर्द और ये चालू कर दिया। तो जब तक मूल कारण का इलाज नहीं करेंगे तो ये ऊपर से एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है, उसके लक्षण से उसको निजात मिली है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट का कहीं वो गर्दन में चाहे पेट पे बेल्ट लगाते हुए घूमते हैं, तो स्लिप डिस्क के ऐसे पीठ दर्द में इन सब का क्या रोल है? रोल बेल्ट का जो है, मैं कहूँगा कि बेल्ट का काम है कि आपको कोई बड़े झटका या कोई ऐसा एक्शन, कभी कभी कोई चीज़ गिर रही है तो हम लोग एकदम पकड़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो कोई कीमती चीज़ है, या नहीं भी हो तो हमको आदत है कि कोई चीज़ गिरते हुए उसको हम रोक ले। तो बेल्ट आपको ये याद दिलाता है कि आपको कुछ है, आपको एकदम ऐसा सीवियर एक्शन नहीं करना है। बेल्ट आपको ये चीज़ याद दिलाएगा, बेल्ट आप ट्रैवलिंग में लगाएंगे तो आपको बड़े झटके से थोड़ा सा बचा लेगा बेल्ट, या बेल्ट आप जब भी गर्दन जो बहुत ही स्प्रेन है, स्टिफ है, बिल्कुल हिलाने पे बहुत दर्द हो रहा है, तो आप बेल्ट आपको मूवमेंट थोड़ी रोक सकता है, आपको बेटर लगेगा। दूसरा, ओल्ड एज में आप उनको कुछ कमर का पट्टा दो, कुछ दो, तो उनको लगता है कि हाँ मुझे एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आ रहा है, कि मुझे अच्छा नहीं हो रहा है पर मुझे लगता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ,
तो मुझे अच्छा फीलिंग आता है। तो बेल्ट का रोल साइकोलॉजिकल ज़्यादा है अगर आप बराबर से अपनी गर्दन और कमर का ध्यान रखें तो। डॉक्टर प्रसन्न जी, आपकी बातचीत में ट्रीटमेंट में बार बार जिस शब्द का उल्लेख हो रहा है एक्सरसाइज, इसके बारे में हमारे दर्शक थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज किस तरह से की जाए, किस तरह से फायदेमंद है। एक डॉक्टर जरूर हूं मैं, पर मैं, मेरा काम है दवा देना पेशेंट को, गोलियां देना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पेशेंट जल्दी से दवा से ऑफ हो जाए, यानी दवा से जल्दी जल्दी हटकर वो एक्सरसाइज पे आ जाए। मैं बहुत उत्सुक रहता हूं कि पेशेंट कम से कम और जल्दी दवा ख़त्म करे और वो एक्सरसाइज पे आ जाए। ये एक्सरसाइज जिस दिन मैं पेशेंट को समझाने जाता हूँ तो मुझे जो रिएक्शन आता है पेशेंट का, तो उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं कि उससे कुछ मुझे गलत लगता है, पर अलग अलग तरह की रिएक्शंस आती है। कुछ लोग जो होते हैं, जो कॉमन है सबसे, मुझे बोलते हैं एक्सरसाइज मत बोलो, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मेरे से नहीं होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, आप मुझे और कुछ दो गोलियां एक्स्ट्रा लिख दीजिए, कुछ वेट कम करने की गोलियां लिख दीजिए, ये कर दीजिए, पर एक्सरसाइज नहीं। मैं वो पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि अगर वेट कम करने की और नहाने की गोली अगर बन जाती तो ये गोलियां सबसे ज़्यादा बिकती दुनिया में, क्योंकि नहाने से और वेट कम करना हर एक को एक कुछ जान पे आने वाली बहुत सारे काम। दूसरे है कुछ हाउस वाइफ्स जिसमें बोलते हैं, हम लेडीज़ को बोलते हैं आप थोड़ा एक्सरसाइज किया कीजिए, तो डॉक्टर साहब मैं सुबह से शाम तक घर में ये रूम से वो रूम, वो रूम से वो रूम, मेरा 2-3 किलोमीटर तो घर में ही हो जाता है घूमना, अभी इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सरसाइज करूँ। मैं उनको एक उदाहरण देता हूँ, शायद वो इतने कन्विंस नहीं भी होती होंगी, लेकिन उनके साथ उनके जो हस्बैंड या उनके भाई या उनका बेटा बैठा रहता है वो ज़रूर कन्विंस हो जाता। मैं उनको कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर है, इनका पूरी ज़िंदगी, इनका पैशन है क्रिकेट खेलना, दिन रात रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, रोज क्रिकेट खेलते हैं, फिर अगर उनको, अगर उनके कोच ने कहा कि आप एक्सरसाइज करो, वो क्या बोलेंगे, रोज तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्या एक्सरसाइज करूँ। ऐसा नहीं होता है, एक्सरसाइज यह आपको क्रिकेट के पहले और क्रिकेट खेलने के बाद में उनको वार्म अप ये करना ही पड़ता है। एक्सरसाइज क्या है कि आप आपके रूटीन के अलावा जो कर रहे हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे हैं, जिसमें आपका पसीना बह रहा है, जिसमें आपको थोड़ा हल्का दर्द भी हो रहा है, उसको हम एक्सरसाइज। कुछ लोगों का रिएक्शन जो होता है वो हमको कहते हैं डॉक्टर साहब टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं सुबह से शाम तक बस बिजी हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। कोई जवाब नहीं। अगर आपको आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, मैं उनको समझाता हूँ, मैं 5 मिनट उनको देता हूँ, अगर आज आप यह दर्द कम करने के लिए या एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप अपने आप को फिट रखने के लिए, तो आपको आज आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन कल आपको इस तरह बीमार आप बेड पर आ जाएगा कि आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा ये बीमारी के लिए। तो मुझे लगता है कि स्वस्थ रहकर टाइम निकालना ज़्यादा आसान है ताकि बीमार होकर टाइम निकाले। तो यह एक बहुत उपयोगी चीज़ इसके अंदर हमने देखा है। कुछ लोग जो होते हैं उनके को एक बहुत, उनका बहुत उत्सुक लोग रहते हैं वो, उनका क्या, डॉक्टर साहब दर्द बहुत बढ़ गया है 8 दिन में, आप जल्दी से मुझे कोई तो भी एक एक्सरसाइज बता दीजिए, मुझे कोई एक्सरसाइज बताइए, अभी मुझे एक्सरसाइज चालू ही करना है, मुझको ये दर्द बिल्कुल अब बहुत बढ़ गया है। ये एक थोड़ी सी गलत मान्यता है, मेरा इसके बारे में मैं आपको कुछ अलग हटकर बताना चाहता हूँ। जनरली हमको एक्सरसाइज की याद कब आती है, जब हमको परेशानी है। हमारा सोचना जो है इसके अंदर ऐसा है कि आपको दर्द जब है तब व्यायाम नहीं करना है। ये जो दर्द है आपको, नेचर आपको बोल रही है कि आपको मूवमेंट्स पे दर्द हो रहा है, आप नेचर आपको बोल रहा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, वो आपको मूवमेंट करने से रोक रहा है, और आप उसमें अगर मूवमेंट करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। तो आपको एक बार दर्द ख़त्म होने के बाद आपको एक्सरसाइज चालू करना है, हमारी धारणा के विपरीत, कि हमको जब आप ये दर्द के बाद आप एक्सरसाइज चालू करेंगे ताकि आपको दर्द बार बार ना आए या आपको दर्द ना आए इसके लिए। अब जो रह गए हैं, जो एक्सरसाइज है, ये हमारे कुछ अलग अलग चार्ट है, अलग अलग एक्सरसाइज के चार्ट्स होते हैं जो हमारे पास प्रिंटेड होते हैं, वो हम पेशेंट्स को दे देते हैं कि आपको ये करना है, इसमें से हमको कुछ लगता है कुछ कम ज़्यादा करना है तो हम बोलते हैं ये आप मत कीजिए, ये आप मत कीजिए। ये जैसे कमर के लिए अलग अलग एक एक्सरसाइज के ये चार्ट्स हैं, कुछ इसी टाइप के कुछ गर्दन के भी चार्ट्स होते हैं, यह भी एक गर्दन के बारे में चार्ट है कि इसको किस तरह से गर्दन की एक्सरसाइज करना चाहिए। तो यह चार्ट पे आपको पता चलेगा कि गर्दन में क्या करना क्या नहीं करना, नीचे इसमें लिखा है कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आप इस बारे में कर सकते हैं। तो दर्शकों, डॉक्टर प्रसन्ना जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि पूरी तरह से कोशिश होती है कि मरीज को दवाइयाँ कम से कम मिले
जहाँ जरूरी उतनी ही मिले, और कोशिश होती है कि उसने जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो नियमित रूप से करना चाहिए ताकि जो दर्द है वो कम हो और भविष्य में दर्द नहीं आए। डॉक्टर प्रसन्न, कई बार जो समाज में योगासन की जो मान्यता बढ़ी है उसका प्रचार प्रसार बढ़ा है और ऐसा माना जाता है कि ये सब दर्दों में योगासन बहुत उपयुक्त व्यायाम है, एक्सपर्ट के नाते आपकी राय कैसी है? योगासन यह वास्तव में एक बहुत अच्छे व्यायाम का एक तरीका है, पर योगासन में आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, कुछ चेंजेस करना है। अगर आप एक स्वस्थ, आपको कोई तकलीफ नहीं है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, आप हर टाइप के योगासन के आसन कर रहे हैं, ठीक है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन अगर आपको कुछ विशिष्ट बीमारियां हैं या विशिष्ट प्रॉब्लम्स है, मैं बीमारियां नहीं कहूँगा, तो वो प्रॉब्लम्स, जैसे किसी को घुटने का दर्द है, तो घुटने के दर्द के लिए हम उनको बोलेंगे कि जो पालथी मार के हम बैठते हैं, या हम नमाज के लिए जिस तरह पूरा बैठते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, इस बारे में हम उनको बोलेंगे कि आप इस तरह का मत कीजिए, या ऐसे कोई आसन है जिसके अंदर आपको ऐसा करना है, इस तरह के पोस्चर करना है या इस तरह के आसन करना है, वो आप न करें तो आपके घुटने ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप नीचे ज़मीन पे ना बैठ पाए, आप पलंग पे ऊपर बैठ के करें, तो ये एक तरीका है। दूसरा, अगर आपको कमर के दर्द है तो हम कहते हैं कि वो जो एक्सट्रीम आसन है जिसमें इस तरह से या बहुत झुकना पड़ता है, तो ये हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा सा आप अपने मॉडिफिकेशन कर लीजिए और ये आसन मत कीजिए, बाकी आप कर सकते हैं। तो अक्सर वैसे जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी ये कहते हैं, कोई आसन कराने के पहले बोल लेते हैं कि आप अपने डॉक्टर से इसकी सलाह ले लें, आपको कोई बीमारी है या नहीं है, और जिस तरह से वो सलाह दें उस तरह से। हाँ, दर्शकों एक बात जरूर है कि एक जो मान्यता है कि अगर मुझे पीठ का दर्द है तो मैं भुजंगासन चक्रासन करूँ तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर प्रसन्ना जी हमसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह के आसन से तकलीफ हो रही है तो आप इससे बचें, और दर्द ठीक होने के बाद में जब आपको एक्सपर्ट उसके लिए हामी भर देते हैं तब आप इसको कर सकते हैं। डॉक्टर प्रसन्ना, एक बहुत प्रचलित और दृढ़ मान्यता हमारे समाज में है कि महिलाओं को एक अक्सर शिकायत होती है कि जब उनका सीजरियन का ऑपरेशन हुआ तो सूने के लिए जो उनके पीठ में इंजेक्शन दिया गया था उसके बाद से उनके पीठ में कमर में दर्द है जो उतने समय से चले आ रहा। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि शायद इसमें कोई दम नहीं, पर एक एक्सपर्ट के नाते आपकी सलाह। ये कॉमन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यह मैं अक्सर मेरी ओपीडी में आए हुए लोगों से मैं ये फेस करता हूँ, मुझे यह सवाल बहुत बार या जवाब बहुत बार सुनना पड़ता है। हम एक कोई भी जब भी लेडी आएगी, कोई भी जिनका कुछ साल पहले सीजर हुआ है, डॉक्टर साहब कमर में बहुत दर्द है। अच्छा, कब से हो रहा है? जब से सीजर हुआ है। अच्छा, कब से हुआ है? आपका सबसे छोटा बेटा कितने साल का है? 5 साल का। 5 साल से वो यह मान चुकी है कि उनकी कमर का जो दर्द है वो उस ऑपरेशन के लिए, सीजर के लिए दिया हुआ जो इंजेक्शन है उसी से हो रहा है। मैं इनको बताता हूँ जनरली कि देखिए, हमारे जब एखादे पैर फ्रैक्चर हो गया किसी पेशेंट का, तो हम उसके ऑपरेशन के लिए भी उनके कमर में इंजेक्शन देते हैं, या कोई महिला का भी पैर फ्रैक्चर हो गया तो उनको भी कमर में हम यही इंजेक्शन देते हैं। लेकिन वो महिला या वो आदमी कभी आके देख 2-3 साल के बाद मुझे ये नहीं कहता कि आपने जो इंजेक्शन दिया था उसके वजह से मेरे कमर में आज तक दर्द हो रहा है। मैंने बहुत कम सुना, एक आधा कोई बोला होगा तो बात अलग है, पर मुझे, मैंने ये कभी नहीं सुना। पर सीजर के बाद ये जवाब मुझे मुझे सुनने को ही मिलता है कि यह तब से हो रहा है। क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमको जनरेशन से जनरेशन मिलती जा रही है, ये हमने काफ़ी हर फैमिली में सुनते हैं पहले से कि वो उनको कमर का दर्द उससे है। तो लेडीज़ के मन में बहुत सारे, उनको दर्द रहता है, मैं ये बात डिनाई नहीं करता हूँ कि उनको दर्द नहीं है, पर उनके मन में ये बात फिक्स हो गई कि मुझे वो इंजेक्शन दिया था उससे मुझे दर्द है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्या होता है, बहुत सारे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेट का जब साइज़ बढ़ जाता है तो आपके जो मसल्स है पेट के वो बहुत लैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं वो, क्योंकि स्ट्रेच हो जाते हैं वो बहुत सारे, और जब डिलीवरी हो जाती है तो वो वापस एक जगह पे आ जाती है। आप कोई एक इलास्टिक ले लो जिसको आपने बहुत लंबा कर दिया, खींच के बहुत लंबा कर दिया और फिर छोड़ा, तो हर बार वो उसके साइज़ पे नहीं आता, फिर वो ढीला हो जाता है। उस टाइप का ही हमारा पेट के जो मसल्स हैं उनका टोन कम हो जाता है, वो ढीला हो जाता है, उनका पावर कम हो जाता है, तो उनका जो स्ट्रेंथ, उनका जो वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो उनका वजन लेने के लिए एकदम रेडी नहीं है, तो उनको वापस
ये टोन रिगेन करने के लिए उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है इसके लिए, जो हमारे इसमें कहीं नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, एक किसी की सीजर हुआ या किसी का डिलीवरी हुआ, तो उनकी माता जी रहेगी या उनकी सास रहेंगी, ये उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखेंगे, ये खिलाओ वो खिलाओ उनका, ये न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है कि एक जो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उनके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कभी भी कि सास ने या माँ ने कहा कि बेटा कुछ एक्सरसाइज, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज इनके करो। ये जो अभी नया ट्रेंड आ रहा है, ये लेडीज़ खुद अपने शरीर के लिए कॉन्शियस हो रही है, तब वो थोड़ा सा कि भाई मोटापा ना बढ़ जाए इसके बाद, तो वो थोड़े एक्सरसाइज में आ रहे हैं और वो बेनिफिशियल हो रहा है। तो इसका मतलब ये माने कि उस इंजेक्शन से इस दर्द का कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज़ कि आगे उनको दर्द नहीं हो, दर्द से छुटकारा पाने के लिए उनको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं, उन्होंने खानपान के अलावा एक्सरसाइज व्यायाम पे भी उतना जोर देना चाहिए। डॉक्टर प्रसन्ना जी, इससे संबंधित एक जो चीज़ें होती कि हड्डी, हड्डियों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी और दवाई के नाम पर कैल्शियम, तो चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो या फिर बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हो, तो हर जगह में हड्डी और कैल्शियम, ये एक तरह से एक पर्यायवाची शब्द हो गए। हर बीमारी का इलाज कैल्शियम है, आपकी क्या सलाह है? कैल्शियम एक रामबाण इलाज मैं बोल सकता हूँ है, पर किसके लिए? जिसको पता है हमको कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियाँ कमजोर होने की बीमारी है, उनके लिए यह एक ज़रूरी दवा है, उन्होंने यह लेना ही चाहिए। पर कभी आपने सुना है कि 4 साल के बच्चे में, 6 साल के बच्चे में हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई, उनको कुछ बीमारी रहेगी जिसमें कैल्शियम कम हो जाता है, तो ज़रूर उनको कैल्शियम का रोल है। लेकिन हर एक पेशेंट को, पेशेंट आएगा बोलेगा डॉक्टर साहब घुटना 4 दिन से बहुत दर्द दे रहा है, मुझे लगता है मेरा कैल्शियम कम हो गया। मैं बोलता हूँ आप ऐसा कैसे सोचते हैं कि सिर्फ एक घुटने का कैल्शियम कम हो जाएगा आपके, आपका शरीर पूरा है। तो आजकल जो कैल्शियम के बारे में है, कैल्शियम आपको लेना है, लेकिन जब डॉक्टर आपको सलाह दे तो ही लीजिए। हम देखते हैं आजकल काफ़ी फॉरेन से आए, कोई बड़े बड़े बॉक्स ला के रख देते हैं, डॉक्टर साहब ये मैंने फॉरेन से लाया है, ये कैल्शियम चलता क्या? मन में पहली बात आती है कि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है क्या? पहले तो आप, चलता तो सब है, क्या नहीं चलता, पर आपको ज़रूरत है क्या? 6 साल के बच्चे के माँ बाप आते हैं, डॉक्टर साहब ये खेलते खेलते गिर जाता है, इसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है, आप कोई कैल्शियम लिख के दे दो। मतलब इट इज़ डिमांड, इट इज़ नॉट, वो पूछते भी नहीं है कि इसको ज़रूरत है क्या। और कोई भी जो कैल्शियम थेरेपी है वो हमको एक्चुअली कुछ सालों की रहती है, 2-3-4 सालों की, ऐसा 2 महीना 6 महीना ले लिया, कभी 2 महीना ले लिया, 1 महीना बंद कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं। तो यानी एक मैसेज जो दर्शकों को डॉक्टर प्रसन्ना जी दे रहे हैं कि हर हड्डी का दर्द या हड्डी का इलाज कैल्शियम नहीं है, तो अनावश्यक रूप से इन दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसकी कोई डिमांड करें। डॉक्टर प्रसन्ना जी, बहुत ही रोचक चर्चा हो रही है और इसके हम अंतिम मोड़ पर हैं, और हमारा जो सामान्य दर्शक है जिसने पूरी बीमारी को इतनी अच्छे तरीके से देखा सुना है, तो वो चाहता है कि ये सब चीज़ों में वो नहीं पड़े, तो बचाव के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर आपकी क्या सलाह है? हम जिसको प्रिवेंट बोल सकते हैं, जो प्रिवेंट हम किसको करना है, हमें बैक पेन को प्रिवेंट करना है। लेकिन इसमें के जो हमने शुरुआत में जो लिया था कि जो अलग अलग कारण है, उस कारण से ही मैं आपसे बात करूँगा कि इन्फेक्शन है, कुछ कैंसर है, ये चीज़ें आपके बहुत हाथ में नहीं है कि आप इसको किस तरह बचा लेंगे। आपको जो बचाना है आपको अपने आप को, वो है उम्र के हिसाब का जो है दर्द, वो आप नहीं बचा पाएंगे, वो उम्र के हिसाब से सबको आने वाला है। हम कहते हैं कि जिस प्रकार आप किसी 80 साल के पेशेंट को वापस 20 साल का नहीं कर सकते हैं, या शरीर की जो झुर्रियाँ आई है उसको आप मेकअप से थोड़ा सा हल्का फुल्का कम कर सकते हैं, लेकिन झुर्रियाँ नहीं जा सकती चेहरे की, उसी तरह ये जो हड्डी की झुर्रियाँ है, डिजनरेशन, वो नहीं जा सकती, वो सबको होना है, कम ज़्यादा सबको होगा। तो आप बचा क्या सकते हैं? आप बचा सकते हैं मोच को। मोच में आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कभी कुछ, जिसको हम कहते हैं ना हल्के शरीर से उठा लिया, या बैठे हैं रिलैक्सेशन, गड्ढे धड़ 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 लगते जा रहे हैं आपको, आप एकदम रिलैक्स बैठे हैं, तो इसमें आपको मोच आने की संभावना ज़्यादा है। आपका जो उठाने का तरीका है, हम लोग कहते हैं कि घुटने के बल ऐसे हाथ झुकिए, घुटने के बल बैठिए और कुछ सामान उठाइए, तो ये चीज़ें आपको मोच आपके रोक सकती है। लेकिन दूसरा जो ज़रूरी है, जो मैकेनिकल पेन हम जिसको बोलते हैं कि जो हमारे पोस्चर या हमारे बैठने का तरीका, लाइफस्टाइल, ये आप बदल सकते हैं। आपको
कुछ लोग बोलते हैं कि हम कड़क इस पे सोएंगे, कड़क इस पे सोने से कुछ, इसके सोने से कुछ आपको कम ज़्यादा आप नहीं इसको रोक सकते। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक ऐसे इस टाइप के हमारे जो खटिया होती थी जिसके अंदर ऐसे घुस जाते थे, ऐसे पोस्चर ऐसा हो जाता था, तो हम लोग उस समय एक ज़माना था जब बोलते थे कि कड़क इस पे सोइए, तो लोग आज तक वही लेके बैठे कि मैं कड़क इस पे सोऊंगा तो मैं एकदम ठीक रहूंगा। नहीं, आप कड़क इस पे सोने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल, आजकल के बेड सब नॉर्मल होते हैं, आप उस पे सोइए। हाँ, बचाने के लिए आप क्या करना है, आप आपकी ओबेसिटी कम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वजन कम करना। वजन कम करने से एक्चुअली आपका वजन अगर 10 किलो बढ़ जाता है तो आपके स्पाइन पर उसका 5-10 टाइम्स आता है, मतलब 50 या 100 किलो का वजन आपके शरीर पे पड़ जाता है। 100 किलो का वजन एक्स्ट्रा लेके आप कितने दूर चल पाएंगे, आप थक जाएंगे थोड़े दूर, आपका पेन चालू हो जाएगा। तो अगर इसका उल्टा मानिए कि अगर आपने आपका वजन 5 किलो कम कर दिया तो आपके शरीर से 25-50 किलो कम हो गया, तो आपका आधा दर्द उधर ही कम हो जाएगा। ये एक बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफ रखिए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। आपको जब भी ऐसा लगे कि एकदम अपन भाई कुछ काम, जैसे हम लोग कहते हैं कि फटाफट करना चाहिए कोई भी, जैसे ऐसे आपकी मूवमेंट्स अच्छी होना चाहिए, बहुत लिथार्जी जैसे बैठे ही है कुछ कर नहीं रहे, इस टाइप में मत रहिए। आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा टाइम के बाद आप आपकी मूवमेंट्स चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा घूम के आ जाइए, वो एक जरूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पोस्चर, आपका पोस्चर अच्छे से बैठिए, इरेक्ट बैठिए, उससे मोच का जिस तरह से आया, तो फिलोसॉफिकली ऐसा कहा जाता है कि शरीर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आदमी को हर तरह सक्रिय रहना चाहिए, निष्क्रियता शायद एक पेन को बढ़ा सकती है। दर्शकों, एक बहुत ही रोचक चर्चा पीठ दर्द, स्पाइन के दर्द, डॉक्टर प्रसन्ना जी राठी इनके साथ में चल रही है। डॉक्टर प्रसन्ना, हमारे आम दर्शक हमारी व्यक्तिगत जिंदगी कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट के उन पहलुओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं जो आमतौर से जनता के सामने नहीं आते हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए, डॉक्टर प्रसन्ना जी समर्पण परिवार नाम के एक समूह के साथ जुड़े हैं जो हर हफ्ते नियमित रूप से एक भक्ति भाव का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस समूह को बनाने में और विकसित करने में जो कुछ चंद लोग हैं उसमें डॉक्टर प्रसन्ना जी का मुख्य रोल है, हालांकि वे इसका श्रेय नहीं लेते हैं। डॉक्टर प्रसन्ना जी, मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, इस समर्पण परिवार के बारे में जानकारी और इससे आप अपने प्रैक्टिस में क्या फर्क अनुभव करते हैं, हमारे दर्शक जान चाहेंगे। यह मेरे दिल के काफ़ी करीब भी एक मामला है। समर्पण परिवार ने मेरे सोच, मेरे जीवन में एक अलग सा बदलाव लाया है। समर्पण परिवार यह एक भक्ति भाव का एक ग्रुप, जिसे हम समूह कहेंगे, इसमें 100-125 यंग, मैं कहूँगा यंग लोग, वैसे सभी हार्ट से यंग है बट यंग लोग हैं, जिसमें 20 से लेकर 35-40 के एज के ग्रुप के 100-125 लोग हैं। हम हर शनिवार किसी न किसी यजमान के यहाँ सप्तपाठ 7 बार हनुमान चालीसा का पठन करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, जो अलग अलग ट्यून्स, अलग अलग ट्यून्स से होता है। आप इसको मॉडर्न साइंस में हनुमान चालीसा रिमिक्स कह सकते हैं, मॉडर्न इसमें शब्दों में। हमारे उद्देश्य उसमें एक ही है, भक्ति भाव का, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। वो ग्रुप के नाम पर हम अक्सर कोई दूसरा काम नहीं करते, जबकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, पर अक्सर हम भक्तिभाव से संबंधित ही कार्य करते हैं। उसको हम हर शनिवार किसी किसी यजमान का हमको न्योता होता ही है, ये पिछले 4 सालों से चल रहा है। अगले 6 महीने के बुकिंग ऑलरेडी रहते हैं, जो हम बुक करके रखते हैं कि किसी के यहाँ करना है। अब इन कुछ सालों में अब हमको बाहर गाँव भी बुलाया जा रहा है, हम पूना, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, अकोला, ऐसे अलग अलग जगह भी कार्यक्रम कर चुके हैं। अब रहा कि इसमें मुझे क्या मिलता है, मुझे बहुत कुछ मिलता है, मुझे बहुत कुछ मिला है, मिलते रहेगा। इसमें मैं शनिवार को कहीं भी रहूँ, मैं ऐसा विचलित रहता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ, मैं कैसे भी मेरा जो काम हो जाए, देर से पहुँचूँ पर मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं बाहर गाँव भी हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर वहाँ मुझे हॉल्ट करना ज़रूरी नहीं तो मैं वापस आऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे वो करना है। डॉक्टर की एक ज़िंदगी में जो हफ्ते भर की जो अलग अलग चीज़ की तकरार है, हमारे टेंशन्स है, कभी पेशेंट का कुछ रिएक्शंस रहता है कि क्या डॉक्टर साहब ऐसा ही हो गया, तो यह सारा हफ्ते भर कलेक्ट होते जाता है।
पहले ये होता था कि कहीं आज किसका गुस्सा किसी और पे निकल गया, कहीं कल किसी और पे निकल गया, कभी घर में निकल गया। अभी वो सारा कलेक्ट होते जा रहा है और हम उसको वीक एंड पे या बोलो या सैटरडे को बोलो, वो पूरा हनुमान चालीसा के माध्यम से उसको हम इमोशनली और एक मेडिटेशन के तौर पे वो गुस्सा पूरा शरीर से बाहर चले जाता है। तो मुझे जो मिला है ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरी एक पर्सनालिटी में ये काफ़ी इसने रिलैक्सेशन का बहुत अच्छा काम किया है, प्लस धार्मिक भावना से तो मैं जुड़ा। दूसरा मुझे एक इसमें हुआ कि मैं कॉमन लोगों से जुड़ा हूँ। यह जो ग्रुप है ना, इसमें सारे तबके के लोग हैं, बिजनेसमैन, सीए बोलिए आप, वकील बोलिए आप, कोई फार्मासिस्ट बोलिए, हर हर तरह के लोग हैं। इनसे के साथ मैं जो रहता हूँ, हफ्ते में कहो मुझे एक बार मैं इनसे मिलता ही मिलता हूँ, तो मुझे इनसे डॉक्टर के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी पीड़ा है डॉक्टर के बारे में, ये पता चलता है। और साथ में उन्हें यह पता चलता है कि मेरी क्या मजबूरियां है, क्या मेरे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से कुछ चीज़ें मैं कुछ चीज़ों को न्याय नहीं दे पाता हूँ। तो इसके बीच में मुझे लगा कि यह माध्यम से एक जनरल पब्लिक से बॉन्डिंग, और यही लोग शायद मैं इनको समझा सका हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम होते हैं और उनके भी प्रॉब्लम समझ सका हूँ। तो एक पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप में इसने मुझे बहुत मदद की है। एक बहुत ही अंतरंग चीज जो डॉक्टर प्रसन्ना जी ने हमसे शेयर की है, और शायद ये हमारे समाज के लिए एक मैसेज भी है कि हम सबको, हम जो सामूहिक लोग हैं, तो एक किसी तरह का ऐसा एक समूह होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी पूरी भावनाएं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकें और एक दूसरे को और अच्छे से जानबूझ सकें। दर्शकों, आज की जिस चर्चा से जो मुख्य मुद्दे उभर के आए हैं कि हमारे जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसका दर्द छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र में हर किसी को कभी भी हो सकता है। इनमें से जो मुख्य दर्द है उसका बहुत एक कारण ये हमारी खुद की गलत जीवन शैली है, हमारे उठने बैठने का ढंग है, हमारा पोस्चर है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी बीमारी कारण से होता है। इनसे बचने के लिए, इनसे उपचार के लिए अगर हम हमारी जीवन शैली को सही संतुलित रखें, इनसे हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। एक जिस चीज़ पर डॉक्टर प्रसन्ना जी ने भरपूर जोर दिया है वो है नियमित व्यायाम। यह व्यायाम न केवल हमें दर्द से छुटकारा दिलाता है बल्कि हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। अंत में हमारे जोर देने पर इन्होंने एक आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया है जो हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। दर्शकों, हमने हमेशा से शुभकामनाएं दी है कि आपका आने वाला कल आज से अधिक स्वास्थ्यवर्धक, मंगलमय हो और आप आज से अधिक प्रसन्न हों। कार्यक्रम आपका अपना है, इस विषय में आपके सुझाव, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया सहर्ष आमंत्रित हैं। अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। डॉक्टर प्रसन्ना जी, स्टूडियो में आकर आपने दर्शकों का इतने रोचक विषय पर इतने अच्छे से, इतने विस्तार से जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।